कायनात का राज है। कायनात इन्हीं के वजूद के गिर्द घूम रही है। हम इस बात को अगर जरा सा महसूस कर जाएं तो समझ में आएगा। जो लोग मुत्तसिल हुए हैं इनसे, उन्हें पता है कि राज क्या है। 8 साल की इराक ईरान की जो वॉर थी, उसमें जितने भी रावी हैं बयान करते हैं कि हमारे जितने भी बड़े ऑपरेशंस थे, उन सब का कोडवर्ड जो था वो या जहरा था। क्यों? वो जानते थे। हमारी भी समझ में नहीं आता था कि मतलब ये कैसे हो सकता है। मतलब अभी भी आप उन जगहों पे जाएं जहां भी भाई सब हुआ, वहां जो अलम या परचम आप समझें लगे हुए हैं, उन सब पे या जहरा लिखा हुआ है। क्योंकि वो जान गए थे कि राज यही है कामयाबी का। शहीद बुरुंसी की जो, उसका नाम अब्दुल्ला था, मशहद का रहने वाला, वो इतना स्ट्रांग था कि उसके सर की कीमत थी उस जमाने में, सद्दाम ने लगाई हुई थी रेडियो में, उसके सर की कीमत थी कि इसको जो लाएगा उसको इनाम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहां ऑपरेशन फंसता था वहां उसकी ब्रिगेड को बुलाते थे और वो सब तोड़ता हुआ निकल जाता था। एक जगह रात, चारों तरफ पहाड़ है, फंस गए, निकलना भी है, लेकिन जहां जरा सी मूवमेंट करते हैं अंधेरा है, न जाने कहां से जो है वो फायरिंग शुरू हो जाती है। अब अंधेरे में जज करना भी मुश्किल नहीं है कि दुश्मन किस जाविये पे बैठा हुआ है। जाविया पता हो, एंगल पता हो, तो आप एडजस्ट करके चला दे। फंसे हुए हैं। शहीद बुरुंसी को बुलाया गया। इसने बोला मुझे थोड़ा सा वक्त दे। ये खलवत में गया अपनी, थोड़ी देर बाद आकर इसने डिजिट दिए, न्यूमेरिक। वो डिजिट क्या थे? वो डिजिट उस जगह का जाविया था, एंगल था। इन्होंने उसी जाविये पर रखकर शुरू हो गए। थोड़ी देर में देखा कि दूसरी तरफ खामोशी हो गई। देखा तो दुश्मन के बिल्कुल जहां दुश्मन था वहीं जाकर तीर निशाने पे लग रहे थे। इससे पूछा कि तुम्हें किसने दे दिया ये एग्जैक्ट? कहा मैं तो बीबी की बारगाह में मुत्तसिल था, खुदा की बारगाह में सजदा किए हुए था। जैसे ही मैंने सजदे से सर उठाया, जमीन पे ये डिजिट लिखे हुए थे। कायनात का राज। वो जाहिर है ये जो लड़ रहे थे ये कोई जमीन के टुकड़े के लिए थोड़ी लड़ रहे थे, ये बीबी के फर्जंद के लिए लड़ रहे थे। इन्होंने अपनी शर्टों के पीछे लिखा हुआ था या शहादत या ज्यारत, बस तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है जिंदगी का। जाहिर है उसी के आने वाले फर्जंद के लिए ये सब जमीना फराहम हो रहा है। राज यही है।